जय हिंद दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर क्वेश्चन के बारे में इस क्वेश्चन में एग्जामर ने कहा इफ अ नाइन डिजिट नंबर नाइन एट फाइव एक्स थ्री सिक्स सेवन एट वाई इज डिविज बाई सेवेंटी टू दैन द वैल्यू ऑफ फोर एक्स माइनस का थ्री वाई यानी एग्जामर ने कहा क्या कहा कि ये नंबर है मेरे पास में सेवेंटी टू अगर इसको मैं तोड़ूँ तो फैक्टर में ये नाइन इंटू में एट में टूटेगा यानी कि कितना हो जाएगा आपका सेवेंटी टू और इसका अगर फैक्टर करूँगा तो फोर इंटू में मेरे पास में टू आ जाएगा यानी कि ये नंबर जो है मेरा पूरा टू से भी डिवीजल है फोर से भी डिवीजल है एट से भी डिविजल है और नाइन से भी डिविजल है अब कोई नंबर टू से डिवीजल कब होता है जब उस नंबर का यूनिट नंबर ईवन हो या फिर वो नंबर हो ऐसा जो टू से डिविजल हो फोर की प्रॉपर्टी क्या कहती है लास्ट के दो नंबर अगर मेरे फोर से डिविजल है तो पूरा पूरा नंबर फोर से डिवीजल जाएगा और एट की जो प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है लास्ट के तीन नंबर अगर मेरे एट से डिविजल है तो पूरा पूरा नंबर

और वैल्यू आ रही है मेरे पास में ये तीन वैल्यू आ रही है बट आपको कुछ नहीं आपको इससे नहीं चेक करना हमेशा बड़े वाले नंबर चेक करना ताकि ये दोनों नंबर इसके अंदर आ जाए तो मैं से एट से चेक करूंगा तो तो ये होगा आपका नौ अट्ठे बहत्तर तो आपके पास जो बचेगा छः अभी छः में अगर मैं जीरो रखूंगा तो डिवीजल जाएगा नहीं एट से तो यहाँ पर अगर मैं चार रखूंगा तो अट्ठो चौसठ यानी कि वाई की वैल्यू तो मुझे मिल गई कि वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है आपकी चार है अब मुझे निकालनी एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे नाइन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी और नाइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है सभी नंबरों का सम कीजिए और नाइन से डिवाइड कीजिए तो यहां पर मैं वाई की वैल्यू चार रखूँ तो आठ चार बारह बारह सात उन्नीस और नो तो नहीं अट्ठारह उन्नीस में से अट्ठारह माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा आपका एक छ सात सात और तीन दस दस में से नो गए तो कितना बचेगा एक छ आठ छ चौदह चौदह में से नो गए तो पांच और नो तो मेरा पूरा पूरा डिविल जाएगा यानी कि एक्स प्लस का फाइव डिवाइड बाय नाइन करूंगा तो ये मेरा पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए नाइन से डिवाइड होना चाहिए तो यहाँ पर मुझे फाइव के साथ में क्या नंबर चाहिए अगर मैं चार नंबर रख लूँ तो सब मेरे पास नाइन बचेगा और नाइन से पूरा पूरा डिविजल जाएगा इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई आपकी फोर आ गई तो अब मैं यहाँ पे रखूंगा तो फोर इन में मेरे पास में फोर माइनस का थ्री इन में फोर तो ये मेरे पास में सोलह आ जाएगा ये मेरे पास में बारह आ जाएगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस फोर आएगा और यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा जय हिंद जय भारत